अलमदद या खुदा या खुदा अलमदद। पाकिस्तान का मतलब क्या? एक इशारा इमरान तेरा, एक इशारा मरियम ने एक कुत्ता पाला, मुझो वाला मुझो वाला मरियम ने एक कुत्ता पाला, मुझो वाला मुझो। मैं उनके कुछ दोस्तों के थ्रू भी जानता था उनको, उनके उनकी हिस्ट्री उनके बारे में, और वो यकीन करें खान साहब को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज्जत दी क्रिकेट के अंदर, उसके बाद उनके इतने कनेक्शंस हैं, आपका अंदाज़ा नहीं है कि जब वो इंग्लैंड में सड़कों पे निकलते हैं तो किस तरीके से कौम जैसे हम इस वक्त खड़े हुए ना ऐसे उनके पीछे लग जाती है। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। वो चाहते तो आराम से इंग्लैंड में आराम से रहते, ये सब कुछ पालना, अपनी जान को खतरे में डालना, हर रोज उनकी लाइफ को थ्रेट, हर रोज उनके खिलाफ क्या क्या साजिशें और क्या क्या हो रहा है, मगर वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं और दीन इस्लाम के लिए कर रहे हैं ये कुछ। और पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? लेंगे एक आदमी अगर लैंड क्रूजर चलाता है और उसकी टैंकी अगर 14,000 रुपए में फुल होती है तो फिर भी 10,000 रुपए की फुल करा के एक जगह, लेकिन जो एक गरीब आदमी जो बेचारा डेली अपनी जॉब पर जाता है 100 रुपए का अगर तेल डालता है अपने मोटरसाइकिल के अंदर और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, तो आप निकालें एवरेज निकालें 100 रुपए के हिसाब से 3,000 रुपए तो दिन का महीने का चला गया पेट्रोल के अंदर, बाकी वो अपना घर कैसे। आप लोगों को याद होगा कि किसी ने एक मार्च निकाली थी जनाब, कराची से गए थे और डी चौक पहुंच गए थे महंगाई के खिलाफ, फिर वो मैं नहीं कहना चाह रहा कौन सी रानी मगर जो भी है सही है। उसके बाद एक और मजहबी जमात ने भी ये महंगाई मार्च निकाली थी, आपको याद होगा। मुझे तीन चीजों का आज जवाब चाहिए के मिला के कहूंगा कि वो बेगैर तो उस वक्त तुम लोग कहां थे? आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा अगर कप्तान ने ये कहा है कि हर एहतजाज पुर अमन होना चाहिए, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा एहतजाज करना हमारा आईनी हक है और हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं है, हमने एक अपने आईनी हकूक को इस्तेमाल करते हुए एहतजाज किया और पुनः